हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति आनंद ऑफिशियल। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं करने वाली हूँ दुर्गा माँ से इंस्पायर्ड मेकअप लुक। तो थोड़ी बहुत कोशिश करी है दुर्गा माँ के लुक जैसा क्रिएट कर पाऊँ, जैसा कि हम लोग सब लोग देखते हैं टीवीज पे या फोटो, मतलब मूर्ति जो, तो उनसे सभी को देखते हुए तो मैंने सोचा चलो क्रिएट करके देखते हैं कि होता है वैसा लुक कि नहीं होता है। तो कोशिश की है, कोशिश तभी सफल होगी जब आप लोग बताएंगे कि हाँ कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये लुक, दुर्गा माँ का लुक कैसा लगा। तो सबसे बस ये ना कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, और आप लोग पूरा देखिएगा, पूरा मेकअप देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को मेरा मेकअप लुक कैसा लगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइजर लगाया, और मॉइस्चराइजर के बाद सीरम लगाया, और सीरम के बाद प्राइमर लगाना होता है। लेकिन मैं प्राइमर लगाना भूल गई बड़ी बहुत जल्दी जल्दी, मतलब बहुत ज़्यादा वैसा अजीब सा लग रहा, घबराहट हो रही कि पता नहीं होगा वैसा लुक कि नहीं होगा। तो बहुत मतलब डर सा लग रहा था कि इतना सब कुछ करा, इतना सब सामान फैला हुआ था ना, इतना सब कुछ, और मतलब मेरा बहुत ज़्यादा मन था। मैं देखती थी ना रील्स में और शॉर्ट्स में, तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी ये लुक क्रिएट करूं। तो मैंने सोचा क्यों चलो कोशिश करते, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ऐसा कहा जाता है, और ऐसा सच में भी है। तो पहले तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मतलब होता चला गया। और फिर मैं प्राइमर लगाना पहले तो भूल गई थी, फिर उसके बाद लाइट चली गई, और फिर उसका इंतज़ार किया लाइट आ जाए, और इसके बाद में फिर मैंने क्या किया कि प्राइमर को थोड़े से फाउंडेशन में मिला लिया। उसके बाद फिर से मैंने फाउंडेशन और प्राइमर दोनों को मिला के अपने फेस पे अप्लाई किया। ठीक है, और प्राइमर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मतलब थोड़ा सा हैवी लुक करने जा रहे हैं, और मतलब इतना सब कुछ करो फिर बाद में मतलब अच्छा सा ना दिखे, वो पैची सा दिखे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से मैंने मतलब एक्स्ट्रा फाउंडेशन थोड़ा सा किया, और ज़्यादा देर तक वीडियो में नहीं मतलब दिख रहा है कि ज़्यादा ब्लेंड किया, क्योंकि मैंने कट कर करके डाला हुआ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती बहुत ज़्यादा। और ये वीडियो आप लोग यकीन में नहीं मानेंगे कि ये 40 मिनट्स की वीडियो, और टाइम तो बहुत लगा था, लेकिन कैमरा को ऑफ कर करके मतलब थोड़ा बहुत किया, और मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मैं 5 बजे से बैठी थी, फिर 10 बजे तक मेरा शूट चलता रहा, और आप लोग समझ सकते हैं मैंने कितनी मेहनत की। और मेहनत मेरी तभी सफल होगी जब आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो हम आई होप कि आप लोग करेंगे इस वीडियो में। तो फिर मैंने फाउंडेशन लगाने के बाद में और ऊपर फॉरहेड पे इस तरह से मेरी जो लिपस्टिक वाली पैलेट है, मैंने हाल ही में ख़रीदी हुई है पैलेट, लिपस्टिक पैलेट, जिसमें मतलब कई सारे कलर होते हैं कलर, तो उससे मैं जो शॉर्ट्स पे कलर कॉम्बिनेशन करके न्यू कलर न्यू शेड बनाती हूँ ना, तो वो वाली मुझे ज़रूरत थी उस लिपस्टिक पैलेट की, तो मैंने वो लिया था। उसमें से मैंने ये रेड कलर उठाया और इसको मैंने फॉरहेड पे इस तरह से लगाया। फिर जो कंट्रोल करते हैं ना तो ब्राउन से करते हैं, तो वो मैंने नहीं किया, वो मैंने रेड से किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दुर्गा माँ की मूर्ति और मतलब जो होती है ना, मतलब दुर्गा माँ का रूप जैसा हम लोगों ने देखा है, वो हल्का सा पिंकिश होता है इस जगह पे नोज़ के पास में और चीक्स के नीचे चीक्स पे, तो मैंने उसी तरह से कोशिश करी है थोड़ा बहुत करने की। और बाकी थोड़ा सा येलो होता है माँ का फेस, तो मैंने येलो कलर का मेरे पास मतलब कंट्रोल क्या कहते हैं कंसीलर तो नहीं था, लेकिन मैंने जो मेरा लिपस्टिक वाला पैलेट था तो मैंने उसी से अपने फेस पे मतलब थोड़ा सा कलर कर लिया, और इसी तरह से, और इसको अच्छे से मतलब पूरे इसमें ना पूरे मेकअप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो था वो था हर चीज़ की ब्लेंडिंग, ब्लश की ब्लेंडिंग, कंटूर की ब्लेंडिंग, आई शेडो की ब्लेंडिंग, फाउंडेशन की ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग ना बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी था, मतलब ब्लेंडिंग अगर अच्छी नहीं होती तो मेकअप बहुत अच्छा निखर कर नहीं आता। ठीक है, तो ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी कुछ इस तरह से ट्राई करना चाहते हैं, आप भी ट्राई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोग फुल वॉच कीजिएगा, और आप लोगों को बता दूँ कि ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है।
और ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करिएगा, थोड़ा टाइम दे के करिएगा, तभी बाद में लुक जो है वो बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो इसके बाद में सारा हो गया, फिर इसके बाद में आई मेकअप की बारी आती है, और आई मेकअप में जो टाइम लगा है ना, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। वैसे तो मेरी जो आईब्रोज है बहुत ज़्यादा मतलब पतली हैं, बहुत ज़्यादा घनी नहीं हैं, तो इस वजह से इनको मतलब करते 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 बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मतलब कि सेप देने में बाहर और थोड़ा सा घना करने में बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगा, जैसे नॉर्मली करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। तो ये वीडियो में दिखा रहा, कट करके दिखाना पड़ता है, और क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा समय ना ले इस वजह से। तो वैसे मैं बता दूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा था मुझे ये मेकअप क्रिएट करने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो इसके बाद में मैंने ये पिंक कलर का मतलब डार्क पिंक कलर का आई शेडो उठाया, उसको मैंने क्रीज एरिया के ऊपर सबसे ऊपर मैंने ये वाला लगाया पिंक कलर का। इसके बाद में फिर मैंने ना क्या कहते हैं थोड़ा सिमरी टाइप में ब्राउन शेड था, बहुत ही अच्छा शेड है, उसको मैंने अपने फिंगर से इसे टिप किया और इस तरह से इसको इस तरह से ब्लेंड कर लिया, और बहुत अच्छा लग रहा था इस तरह से, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे मतलब माँ की आँखों का होता है ना, उस तरह से पूरा लुक आ गया था। और फिर बारी आती आईलाइनर की, तो आईलाइनर में ना तो मुझे इतना ज़्यादा समय लगा कि क्या ही बताएं। तो फिर आईलाइनर और कभी मोटा हो जा रहा था, कभी पतला हो जा रहा था, तो इसको फिर मतलब उसी तरह से करते रहे। पहले तो मैंने डायरेक्ट आईलाइनर से ही जो मैं उसका कलर बार का सॉरी क्लासिकल का वो होता है ना, तो उससे लगाया, फिर मतलब ये बहुत ज़्यादा मोटा मोटा से लग रहा था, मैं इससे मतलब सेक्रीफाइस नहीं हुई, तो फिर मैंने जो आईलाइनर जेल आईलाइनर होता है तो उससे मैंने एंकल ब्रश लिया एंकल ब्रश, फिर उसकी हेल्प से मैंने इस तरह से किया और इससे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, तो फिर इसी के ऊपर मैंने आईलाइनर में कर लूँ, क्योंकि आईलाइनर से क्या होता है ना, थोड़ा सा डार्कनेस आ जाती है, तो डार्क डार्क हो जाता है। और इसके बाद मैं नीचे भी मैंने इसी से ड्रॉ कर ली, फिर इसके बाद में मैं आईलाइनर्स के ऊपर लगा दूँगी। और फिर काजल नीचे लगाया, उसको ब्लेंड किया, मतलब बताया ना कि ब्लेंड 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 पूरे मेकअप में जो है ना वो ब्लेंडिंग का काम है, तो ब्लेंडिंग का काम बहुत ज़्यादा है, और अगर काजल इसमें ऐसे ब्लेंड नहीं करेंगे तो बहुत ही भद्दा सा लगेगा, तो ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है इसमें, तो काजल की भी बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग ज़रूरी है। और ये वाइट कलर मैंने बीच में लगाया इस तरह से, इससे ना बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था आँखों का। और ये भी वाइट मैंने लिपस्टिक के पैलेट से ही लिया है, वाइट कलर की लिपस्टिक, और इसको हमने अंडर आइज़ पे मतलब आई लोअर लाइन आँखों की अंदर जहाँ काजल लगाए थे वहाँ लगाया इस तरह से, फिर ब्लेंड करना शुरू कर दिया, और फिर दूसरी आँख में भी इसी तरह से प्रॉपर कर लेंगे। तो अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो फाइनल लुक था ना वो बहुत ही अच्छा निकल कर आया था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई थी, और फिर मुझे अच्छा लगा इस वजह से। और आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो इस आँख में का तो हो गया था, लेकिन फिर भी आँखों का ना समझ में नहीं आ रहा था, कुछ ना कुछ करते जा रही थी। फिर आती है दूसरी आँख की बारी, फिर दूसरी आँख में भी मैंने कुछ इसी तरह से इसमें किया, और दूसरी आँख में ना इतनी जल्दी हो गया था, मतलब एक ही बार में लाइनर से हो गया, और नीचे का भी ड्रॉ कर ली मैंने लाइन विंग आई लाइनर, बहुत जल्दी हो गया था, आप लोग देख ही सकते होंगे, एक ही बार में हो गया था। और फिर इसको मतलब पहले तो वाइट वाली ड्रॉ की लाइन विंग आई लाइनर, फिर इसके बाद में फिर काजल लगाया, फिर उसको ब्लेंड किया, बस ऐसे ही हुआ। फिर इसके बाद में जब आँखों का हो गया, तो फिर आती है थर्ड आई की बारी, जो माँ दुर्गा की तीसरी आँख होती है माथे पे, तो वो वाली ड्रॉ करने की, तो उसमें बड़ी कंफ्यूजन हो गई। मैंने सोचा कि इससे जो ये मार्कर होता है, मतलब पहले तो स्केच ढूंढा, स्केच नहीं मिला, फिर मुझे मार्कर मिला, फिर मैंने मार्कर से सोचा, फिर इससे भी मतलब बन नहीं रहा था सही से, मतलब इसमें शीशे में देख के
कैमरे में देख के नहीं बन रहा था, फिर मैंने मिरर में मतलब उसको फिर हटाया, फिर इस मैंने मतलब इससे जेल ही आई लाइनर से और एंकल ब्रश की हेल्प से मैंने इस तरह से मैंने क्रिएट की बनाई मैंने शीशे में देख कर, और कैमरे में देख के ना बिल्कुल भी नहीं बन रहा था, और फिर मैंने शीशे में देख के इस तरह से बनाई। और आप लोग बताइएगा मेरी जो तीसरी आँख है वो कैसी बनी है, ठीक है, तो मैंने कैसी ड्रॉ करी है। तो फिर अभी भी मेरे से इसमें मतलब कैमरे में देख के नहीं हो रहा था, फिर मैंने फाइनली शीशे में देख कर उसको पूरा अच्छे से मतलब ड्रॉ किया, और उसकी जो आँख के अंदर का जो वाइट कलर होता है ना, तो वो भी मैंने वो जो जिससे मैंने आँखों की आईलाइनर ड्रॉ की थी ना, तो उसी से मैंने ये पूरी फिल की वाइट कलर की, और उसके बाद में फिर मैंने बीच में उसी काजल से जो बीच में होता है ना गोला, उसको भी उसी से लगाया, मतलब मैं लिपस्टिक से ही लगाया। तो वो मतलब पैलेट मेरा लिपस्टिक पैलेट ना बड़ा काम आया मेरे, बहुत ही ज़्यादा काम आया। तो अगर वो ना होता तो मैं मतलब क्या ही इधर उधर से ढूंढती, फिर मुझे कलर जो आता है ना कलर वाटर कलर, तो उसका यूज़ करना होता। तो वाटर कलर जब पूरा मेकअप हो जाता है, मेकअप निकालने की बारी आती है ना, तो जो भाई साहब उसमें जो पूरे कन मतलब चेहरे का जो हाल होता है ना, पूछो ही ना, बहुत ज़्यादा। जो मैंने राधा रानी मेकअप लुक किया था ना, वो उस टाइम मेरे पास ये पैलेट नहीं था लिपस्टिक का, और मैंने उसी से किया था क्या कहते हैं वाटर कलर से। तो बाद में ना ऐसा मेरा भूतिया बना था ना मेरा चेहरा, कुछ कहने को नहीं, और ज़्यादा फिर मतलब बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है बाद में। तो इसमें ना ये बहुत अच्छे से बाद में छूट भी गया था। बस क्या कहते हैं कि मेरे पास जो मेकअप रिमूवर है उसको एक बार किया और पूरा मेकअप साफ़ हो गया था अच्छे से। तो मैंने ये ड्रॉ कर ली, अभी बताया ना मैंने, जो उसी में ब्लैक कलर का भी शेड था, तो उससे मैंने इस तरह से पेन ब्रश के पीछे से ऐसे डिप किया उसमें और इस तरह से लगा लिया, बहुत ही आसानी से लग गया, बहुत अच्छा लग गया था। और इधर उधर जो कॉर्नर पर थोड़ा सा हल्का सा आप देखेंगे कि रेडनेस होती है माता दुर्गा के उसमें पिक फोटो में, तो मैंने उस थोड़ा सा उस तरह से क्रिएट किया है, और फिर इसको अच्छे से ब्लेंड किया ताकि हाँ लगे वो थोड़ा सा मतलब रियल वाला लगे, फेक ना लगे, और अच्छे से इसमें मैंने ब्लेंडिंग की हुई है। इसके बाद में पहले तो मैंने सोचा कि जो फॉल्स आईलेसेस होती है वो लगा लूँ, लेकिन फिर सोचा कि उसको चिपकाने में ना बहुत टाइम लगेगा, इससे अच्छा है कि मैं ड्रॉ ही कर दूँ। तो फिर मैंने उसको नहीं चिपकाई, क्योंकि फॉल्स आईलेसेस लगाने में फिर उसको उसमें गम लगाओ, फिर उसको सुखाओ, मतलब बहुत ज़्यादा वो होता है। फिर मैंने सोचा मैं ऐसे ही ड्रॉ कर दूँ, फिर मैंने एंकल ब्रश लिया और उसी से मैंने अच्छे से ड्रॉ कर लिया, और देखिए कितनी अच्छे से ड्रॉ हो गई थी ये जो मेरी पलके थी वो बहुत अच्छे से ड्रॉ हो गई थी। आप लोग बताइएगा अच्छी मतलब मेरी जो थर्ड आई बनी है वो अच्छी बनी है, मैंने अच्छे से ड्रॉ की है कि नहीं की है, क्या मेरी गलती रही, किस तरह से करना चाहिए था, जो भी हो आप लोग बताइएगा ज़रूर, ठीक है, कमेंट्स में। तो इसके बाद में फिर मैंने जो आईलेसेस है वो मैंने पहले लगा ली थी, क्योंकि सॉरी अभी मैंने नहीं लगाई है, मैंने जो अभी बिंदी लगाई और उसके ऊपर जो चंद्रमा बनता है वो लगाया, फिर इसके बाद में मैंने फॉल्स आईलेसेस लगा ली ऑफ़ कैमरा, ठीक है, ऑन कैमरा नहीं लगाई, ऑफ़ कैमरा लगा ली। तो अभी कुछ कुछ लग रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा मेकअप मेरा अच्छा लग रहा होगा, मुझे तो अच्छा लग रहा है, बाकी आप लोगों को पता नहीं कैसा लग रहा है। तो इसके बाद में आती लिपस्टिक की बारी, तो मैंने मतलब जो था डार्क, सबसे ज़्यादा डार्क जो कलर था उसी लिपस्टिक पैलेट से, जी हाँ उसी लिपस्टिक पैलेट से मैंने जो सबसे ज़्यादा डार्क था रेड कलर का वो मैंने पिक किया, और उसी से मैंने लिपस्टिक पूरी लगाई, और बहुत ही अच्छा कलर, बहुत ही अच्छे अच्छे कलर जो वैसे कलर है ना, इसमें न्यूड भी कलर है तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ब्राउन कलर का जो कलर है जो लिपस्टिक शेड है वो मुझे बहुत प्यारा लगता है, और अगर मतलब मैं इस टाइम पे वो ही जाती हूँ, मतलब अगर मन होता है तो मैं वो ही लगाती हूँ। तो ये मेरी हो गई लिपस्टिक, और बारी आती है अब सिंदूर की। मोस्ट
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिंदी और सिंदूर, दो चीज़ों से ना पूरा मेकअप ना जो लुक होता है ना पूरा चेंज ही हो जाता है बिंदी और सिंदूर से। तो इसके बाद में फिर मैं जो सिंदूर अच्छे से लगा लूँगी और इसके बाद में फिर चूड़ी पहनूँगी, ज्वेलरी पहनूँगी, जैसे मतलब ऑफ कैमरा पहन ली मैंने सारी चीज़ें, ऑन कैमरा नहीं पहनी क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा समय लगता है इस वजह से। तो ये मेरा सिंदूर लग गया, उसके बाद में मैं अपनी ज्वेलरी जो भी थी वो मैंने पहनी है और इसके बाद में चूड़ी पहनी। तो आप लोगों को फाइनल लुक मेरा कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कुछ नहीं तो जय माता दी ही लिख दीजिएगा। और अगर आप बताते हैं अच्छा बुरा कैसा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।